सजा मुकम्मल करने वाले कैदियों को रिहाई न मिलने का मामला, 77 से ज़ायद कैदी जुर्माने की अदम अदायगी पर रिहाई ना पा सके। वजीरे जेल जावर हुसैन ने रकम अदायगी के लिए फलाही इदारों से अपील कर दी। शहर की सफाई के नाम पर खजाने की सफाई, मौजूदा हुकूमत के साबिक हुकूमत पर करप्शन के इल्जामात। मियां इस्लाम इकबाल बोले कि नून लीग ने सफाई के नाम पर अपने प्यारों की जेबें भरी, रातों रात तुर्की की कंपनी बना दी गई। 115 करोड़ से शहर की सफाई होती रही। ऑपोजिशन अरकान का सीटों पर खड़े होकर एहतजाज। मलिक अहमद खान ने इल्जामात की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। बोले के कम टेंडर से फी टन कूड़ा साफ करवाया, लाहौर को कराची से ज्यादा साफ सुथरा बनाया। साबिक वजीर आजम के इलाज से मुतालिक कायम मुजाकिराती टीम का इजलास, मुस्लिम लीग नून ने शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नाराजगी का इजहार कर दिया। तर्जुमान वजीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कमेटी को बाईपास करने की कोशिश की। लीगी अरकान की वजीर कानून से शिकायत। वज़ीर-ए-आज़म आज लाहौर आएंगे, गवर्नर और वज़ीर-ए-आला पंजाब से अलग अलग मुलाकातें शेड्यूल। वज़रा की वजारतों से मुतालिक फैसले भी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म को साबिक हुकूमत की 10 साल कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। इमरान खान मौजूदा और साबिक हुकूमती इकदाम का जायजा लेंगे। इस्तेसा की गफलत तरक्कियों की राह में रुकावट बन गई। ग्रेड 18 में तरक्की की मुंतजिर खातिन इस्तेसा की प्रमोशन फाइल पर एतराजात। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नामुकम्मल फाइल भिजवाने पर फहरिस्त जारी कर दी। पंजाब हुकूमत ने स्कूलों को नॉन सैलरी बजट भी जारी कर दिया। बगैर नक्शा घर बनाने का इल्जाम, खोखर बरादरान के खिलाफ केस की समाअत। सैफुल मुल्क खोखर, मोहम्मद शफी और अफजल खोखर की जमानतें मंजूर। मुलजिमान को 50,000 रुपए के मचल के बतौर जमानत जमा करवाने का हुक्म। महकमे औकाफ में कवानीन की खिलाफवर्जी के मामलात सामने आ गए। स्पेशल फॉरेंसिक ऑडिट टीम ने 494 ऑडिट पैरास तैयार कर लिए। सबसे ज्यादा बेकायदगियां लाहौर जोन में सामने आईं। महकमे औकाफ का फॉरेंसिक ऑडिट सुप्रीम कोर्ट की हदायत की रोशनी में किया गया।